हेलो ऑल 8th क्लास स्टूडेंट, दिस इज द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर इन हिंदी, सो लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, द क्रिकेट से ओ व्हाट विल वी बिकम, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। अब इस क्वेश्चन में जो क्रिकेट है वो कहता है कि अब मेरा क्या होगा, तो ये जो उसने कहा है ये कब कहा है और क्यों कहा है। आंसर है द क्रिकेट स्पीक दीज वर्ड्स ऑन द एरावल ऑफ विंटर। ये जो शब्द कहे हैं उसने ये सर्दी के आने पर कहे हैं, यानी जाड़ों के आने पर कहा है। ही सेज सो बिकॉज, ये इसने इसलिए कहा है क्योंकि ही फाइंड में पाता है दैट देयर इज़ नो फूड फॉर हिम इन हिज हाउस। अब उसने पाया है कि उसके लिए जो भोजन है वो उसके घर में कहीं नहीं मिला है उसे। जब उसको अपने घर में भोजन नहीं दिखता है तब वो इस तरह के वर्ड कहता है। सेकेंड है, क्वेश्चन है फाइंड इन द पोएम द लाइन दैट मीन द सेम एज नाइदर अबोरो और लैंडर वी। अब ये लाइन आप पोएम में पता करेंगे कहाँ है, जिसमें कहा गया है कि ना तो हम उधार लेते हैं और ना ही हम देते हैं। रिटन बाय शेक्सपियर पोएम है ये आपकी। और दूसरा क्वेश्चन से ये और बनता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियंस ऑफ द आर्ट प्रिंसिपल। जो चींटी ने अपने सिद्धांत बताए हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे ये किस में मिलता है हमें, तो द लाइन इज वी आर नेवर बोरो वी आर नेवर लैंड्स। जब आप पोइम पढ़ेंगे तो ये वाला एक स्टैंजा में ये लाइन दी हुई है। नेक्स्ट है कि आंट का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, ये विचार आपके विचार में कैसे हैं। तो आई डू नॉट एग्री विद द आंट प्रिंसिपल, कि मैं जो आंट के जो सिद्धांत हैं उससे सहमत नहीं हूँ। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि एक फ्रेंड इन नीड, एक फ्रेंड की जो ज़रूरत होती है इज़ ए फ्रेंड इन नीड, कि वो उसके समय पर काम आए, ये होता है इसका महत्व फ्रेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रिशिएट हेयर, इफ सो एंड व्हाई। जो वर्ड आंट ने क्रिकेट से कहे थे कि डांस जाइए जाड़े में डांस करो, तो क्या आप समझते हो कि ये वर्ड डांस को अप्रिशिएट करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आंसर इसका यस, हाँ, द वर्ड डांस इज एप्रिशिएट हेयर, यहाँ जो अप्रिशिएट किया रहा है वो डांस को किया जा रहा है। इट इज़ सो इसलिए क्योंकि द क्रिकेट हैड स्पोकन ऑफ हिज लव ऑफ सिंगिंग, क्योंकि क्रिकेट ने खुद ही बताया है कि सर बताता है, भूले गए हैं ये वर्ड, कि उसका जो लव है, जो प्यार है उसका किसके प्रति है, प्रेम है, वो उसका गाने के प्रति है। और सिंग एंड डांस गो टुगेदर, क्योंकि गाना और डांसिंग दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये जो वर्ड है डांस, वो अप्रिशिएट करता है दोनों वर्डों को, सिंगिंग को और डांसिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट कमेंट्स। अब ये जो पोएम है उसमें कौन सी लाइन है जो कि एक्सप्रेस करती है, जो पोइट कमेंट देता है यानी टिप्पणी करता है। रीड दम अलाउड, ऑनलाइन को आप तेज पढ़ें। दूसरा एक क्वेश्चन में से ये निकलता है राइट द कमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। अब जो इसमें जो टिप्पणी कही गई है उसको भी आप अपने वर्डों में बताएं या लिखें। द लाइन्स आर, अब ये लाइन्स वही हैं जो कि आप कोई में टिक कर सकते हैं। फॉर कॉल्स दिस इज़ अ फेवल, आई वुड वारंट इट इज़ ट्रू, सम क्रिकेट हैव 4 lakhs एंड सम हैव 2। ये लाइन आपको पोएम के जो लास्ट स्टैंजा है उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब जो कमेंट दिया गया है, अब इस कमेंट को आप अपने वर्डों में भी एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या कहती है ये लाइन हमें, क्या कमेंट्स दिया जाता है। पीपल से, लोग कहते हैं कि दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी, ये जो कहानी है ये बहुत छोटी, ये एक छोटी कहानी है विद ए मोरल, जो कि नैतिकता लिए हुए है। हाउएवर इट इज़ ट्रू, वैसे तो ये सही है। देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में जो लोग होते हैं जो कि हु स्पेंड ऑल देयर अर्निंग, जो कि कमाते हैं उसको क्या करते हैं, जो भी अपनी अर्निंग करते हैं उसको क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। दे डू नॉट सेव एनीथिंग, वे क्या करते हैं, कुछ भी सेव नहीं करते हैं फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए। इन द मोमेंट ऑफ क्राइज, और फिर वो उस क्षण में रोते हैं, यानी और इन दिस ओल्ड, यानी अपना जो उनका बढ़ापा होता है उसमें फिर वो क्या करते हैं, क्राइज करते हैं, यानी रोते हैं, दुखी होते हैं उस एज में जाकर।
दे कम टू ग्रिप और दुख में आते हैं, दे फाइंड पे पाते हैं, दे हैव नो मनी, उनके पास धन नहीं होता है, तो डिपेंड अपॉन अपने ऊपर निर्भर होने के लिए उनके पास धन नहीं होता है। सच पीपल ऐसे लोग सेज द पोएट ऐसे लोगों के लिए कवि कहता है आर लाइक द क्रिकेट ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का जो क्रिकेट है जंगूर है उसी तरह के ये लोग होते हैं। नेक्स्ट है इफ यू नो अ फेवर इन योर ऑन लॉन्ग ऑन योर लैंग्वेज नरेट इट टू योर क्लासमेट। अब कह रहे यदि आपको इस तरह की कोई फेवल यानी कोई काल्पनिक कहानी याद है तो आप इसको या उसके बारे में आप जानते हो फेवल काल्पनिक कहानी के बारे में तो अपने क्लासमेट को सुनाएं। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी है जो कि हमें भी याद है और उसको ही हमने इसमें लिख दिया है और कुछ कहानी ऐसी होंगी जो बचपन में आपने भी सुनी होंगी तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बार एक बूढ़ा आदमी था, ही हैड फोर सन, उसके चार बेटे थे, दी सन ऑलवेज क्यूरल विद वन अनदर, ये चारों क्या करते थे आपस में हमेशा लड़ते थे, सो द ओल्ड मैन वॉज सैड, इसलिए जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ा क्या था दुखी था, वैन ही वॉज अबाउट टू डाई, जब वह मरने वाला था, ही कॉल्ड देम ऑल, तो उसने सबको बुलाया, ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग फोर स्टिक, अब उसने उन चारों को फोर स्टिक लाने के लिए कहा, देन ही आस्क ईच ऑफ देम, और फिर उसने उन चारों से कहा टू ब्रेक द बंडल, अब इस बंडल को यानी गट्टी जो कर ली है इनको तोड़ो आप, नो वन कुड डू इट, कोई भी उसको नहीं कर सका, देन ही यूनाइटेड द बंडल, अब क्या किया था इसमें एक जो लाइन है वो थोड़ी लैप्स हो गई है, तो पहले और जब देती है जब वो तोड़ लेते हैं चारों की एक स्टिक दी जाती है और जब बंडल दिया जाता है तो उसको फिर तोड़ नहीं पाते हैं, तो कहते हैं देन ही यूनाइटेड द बंडल, फिर वो क्या करता है उनको वापस इकट्ठी कर देता है, गैव ए स्टिक टू ईच, अब उनमें से एक एक जो स्टिक थी वो देता है उनको, दस द ओल्ड मैन एक्सप्लेन देम, तब जो ओल्ड मैन है उनको ये बताता है या समझाता है ये वैल्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता में एकता का महत्व बताता है, ही टोल्ड हिज सन, तब बच्चों को बताता है यानी लड़कों को बताता है कि दैट इफ दे रिमाइंड यूनाइटेड, यदि वे आपस में कैसे रहेंगे अपने आप को यूनाइटेड यानी एकता बनाए रखेंगे, नो वन वुड एवर हार्म्स देम, तो कोई भी उनको क्या कर सकता है हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये कहानी हमें छोटी सी सीख देती है कि जिस तरह से एक एक स्टिक को सिंपल और बहुत ही आराम से तोड़ा जा सकता है लेकिन जब वो इकट्ठी एक साथ चार हो जाती हैं तो अच्छे अच्छे उसको नहीं तोड़ सकते, और ये यही सीख देती है छोटी सी स्टोरी कि जब कोई ग्रुप में होता तो उसको तोड़ना मुश्किल है और सिंगल को हर कोई प्राप्त कर सकता है। तो ये पोएम बहुत अच्छी थी, ये भी ठीक थी, और इससे भी पहले वाली जो आपकी द आर्ट एंड द क्रिकेट ये बहुत सुंदर कविता है, इसको अच्छे से लर्न कीजिए, इसे क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, इसकी समझी भी आपको भेज दी गई है, और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन डाल के उसे पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं आप। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।